ये वीडियो देखा आपने, किस तरीके से ये देश में चल रहा है, आप सामने तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये किसी और देश का दृश्य नहीं है, ये इसी देश के असम का दृश्य है, जो लगातार जूझ रहा है एक आपदा से, एक भारी तबाही से। लेकिन सारा गोदी मीडिया जो है, पूरा ध्यान जो है गोदी मीडिया का और पूरी जनता का ध्यान जो लगाने में गोदी मीडिया लगी हुई है, वो है महाराष्ट्र की सरकार की उठापटक पे। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। लगातार जिस तरीके से अभी आपने वीडियो देखा, उस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से असम में त्राही त्राही मची हुई है। तबाही की जो हदें हैं वो पार हो चुकी हैं, लगातार जो घर हैं डूब चुके हैं। लेकिन वहीं सत्ता में बैठी सरकार लगातार सरकार गिरने और बनने का ढोंग दिखा रही है, लगातार उस पे ही जो है पूरी गोदी मीडिया की नजरें टिकी हुई हैं और पूरी जनता की नजरें टिकवा भी रखी हैं। लगातार महाराष्ट्र में सरकार गिरने से लेकर उठने तक कौन सी शिवसेना की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चल रहा है। लगातार सरकार की उठापटक की तस्वीरें और बैठकें आप लगातार देख सकते हैं, किस तरीके से विधायक और नेता बागी हो रहे हैं, ये सब दिखाया जा रहा है। लेकिन उसी के पीछे एक और तस्वीर है जिसको छुपा दिया गया है, जिसमें लगातार आप देख सकते हैं ये वही लोग हैं जो सरकार को सत्ता में लेकर आते हैं। लेकिन आज जब वो आपदा से जूझ रहे हैं तो सरकार कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है। सरकार अपने विधायकों और नेताओं के लिए इंतजाम करती फिर रही है, लगातार उनके ठहरने रुकने का इंतजाम करती फिर रही है। लेकिन बाढ़ में जो पीड़ित बच्चे हैं, लोग हैं, जो किसानों की भूमि है वो डूब गई है, घर डूब गए हैं, खाने को कुछ बचा नहीं है, रहने को छत नहीं है, जिनके घर लगातार डूब चुके हैं, आधा आधा गर्दन तक पानी भर चुका है, अपने बच्चों को कंधों पर बिठा करके, आप तस्वीरें, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, आप तस्वीरें सामने देख सकते हैं किस तरीके से एक बाप अपने बच्चों को लेकर किस तरीके से उस आपदा से जूझ रहा है, अपने बच्चों को बचा रहा है, ये एक बाप ही कर सकता है। लेकिन सत्ता में बैठी सरकार को इससे क्या लेना देना, वो अच्छी खासी एसी में बैठी है, हवा ले रही है, अच्छे खासे ऐशो आराम में जी रही है, अच्छे खासा पहनना खाना मिल रहा है उनको, और अच्छा खासा पैसा, जो पैसा है वो विधायकों और नेताओं पे लगाया जा रहा है। लेकिन जो आम जनता है वो सब, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं आम जनता कैसी आपदा और भीषण तबाही से जूझ रही है। वहीं एक तरफ ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर ये हमारे देश के ही हिस्सा है जिसमें इस तरीके से लोग जूझ रहे हैं। ये जो गरीब मजबूर लोग हैं, खाने खाने को मोहताज हो चुके हैं, जो अन्न के एक दाने के लिए तरस रहे हैं, आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको रुला देंगी। वही सत्ता में बैठी सरकार लगातार जो पैसा है वो जनता का पैसा लगा रही है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी जानते हैं कि सरकार किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से जनता का पैसा कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, आप सीधी सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन एक तरफ जहां इस तरीके की तबाही मची है, लोग मोहताज हो चुके हैं रहने खाने और सोने के लिए, वही लगातार गोदी मीडिया सरकार गिरने और उठने का लगातार जो आपको तस्वीरें दिखा रही है, वीडियो दिखा रही है, बैठकें हो रही है वो दिखा रही है, इस तरीके से दिखा रही है कि शिवसेना में कौन रहेगा और किसकी सरकार बनेगी। वहीं गोदी मीडिया, ये सब नेशनल मीडिया जो लगातार काम कर रहा है एक ही एजेंडे पे, जो लगातार काम करता आ रहा है, मनुवादी मीडिया जो एक तरफा काम करता है, वो आज भी वही काम कर रहा है। जहां एक तरफ लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा मीडिया ये दिखाने पे लगा हुआ है कि सत्ता में किसकी सरकार रहेगी, महाराष्ट्र में किसकी सरकार रहेगी या किसकी नहीं रहेगी। वही गोदी मीडिया लगातार ये दिखा रहा है कि शिवसेना में कौन रहेगा और किसकी होगी शिवसेना,
जी हाँ, वहीं आसाम में जिस तरीके से बाढ़ की तस्वीरें आपने देखी, बाढ़ आई हुई है वहां पर, लोग त्राही त्राही हो रखे हैं। वहीं उसी आसाम में महंगे होटलों में सरकार विधायकों और नेताओं को ठहराती है। जी हाँ, वहीं उसी आसाम की मैं बात कर रही हूँ जहां पर एक तरफ ये तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं कि जहां पर नेताओं के ठहरने के इंतजाम किए जा रहे हैं, सबसे महंगे और आलीशान होटलों में ठहराने का इंतजाम किया जा रहा है और उसका खर्चा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको सुनकर ही हैरानी होगी कि उसका एक दिन का खर्चा कितना होता होगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अगर हर दिन का 6 लाख भी रुपए माने तो 42 लाख रुपए 7 दिन का जाकर के होता है। आप यकीन नहीं मान सकते हैं कि जहां एक दिन में 6-6 लाख रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं विधायकों पर, बागी विधायकों और नेताओं पर, वहीं इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए जो खाने के लिए मोहताज हो चुके हैं, जिनके खाने के अन्न के दाने के लिए तरस रहे हैं। वही सरकार लगातार दावे और वादे करती आ रही है कि हम इस पर गहरी नजर बनाए हुए हैं और लगातार ऐसे लोगों की मदद के लिए हम जरूरत से ज्यादा लोगों को भेजेंगे और उनकी मदद के लिए सामने आएंगे। लेकिन ये सिर्फ दावे और वादे देखने में ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लगातार जो सरकार की नजर बनी हुई है वो तो सत्ता पे लगी हुई है, महाराष्ट्र पे लगी हुई है कि किस तरीके से शिवसेना गिरेगी या उठेगी या बनेगी या नहीं बनेगी, इस पर लगातार गोदी मीडिया की भी नजर बनी हुई है। लेकिन वहीं ये पीछे के सच जो है वो आपको कोई नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ही आपको दिखा रहा है, क्योंकि ये सच्चाई सिर्फ और सिर्फ यही आपको पता लगेगी। लगातार जिस तरीके से तस्वीरें और चीजें छुपाई जा रही हैं, आप उसका अंदाजा लगाइए कि देश में एक तरफ तबाही मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के उठने और बिगड़ने की बातें को तवज्जो दी जा रही है और लगातार उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है। आसाम के एक होटल में रहने का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना कितना खर्चा किया जा रहा है, कितना कितना खर्च हो जा रहा है, वो भी बागी विधायकों पर, और लगातार किस तरीके से सरकार काम कर रही है सत्ता में बैठी, सिर्फ और दावे और वादों के लिए जनता को बनाया और वोट के लिए सिर्फ जनता उनके सामने खड़ी रहती, किस तरीके से लोग मजबूर है लगातार दूसरी जगह पलायन करने के लिए, लेकिन वही सरकार जो है लगातार सत्ता पर बैठी सरकार अपने विधायकों पर ध्यान दे रही है, उनके ऊपर पैसा खर्च कर रही है। वहीं आपको एक खबर बता दूं, ये आपको मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक पेपर की ही कटिंग है, उसमें लिखा हुआ है आसाम में बाढ़ का कहर, 101 मौतें, 54 लाख लोग प्रभावित है। सोचिए 54 लाख लोग प्रभावित है और वहीं सरकार को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर मैं नीचे की बात करके अगर आपको पढ़ के बता दूं, पीड़ित राज्यों की सुध नहीं ले रहा केंद्र सरकार, ये गोगोई ने ऐसा बोला है। सुनिए, कांग्रेस ने बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, सांसद गौरव गोगोई ने कहा, केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार होती है तो असम और उत्तर पूर्वांचल में केंद्रीय मंत्री भेजे जाते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं, मौजूदा सरकार को बाढ़ पीड़ितों की चिंता नहीं, जबकि महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए राज्यों के विधायकों को आसाम भेजा जा रहा है। सोचिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां पर इस तरीके की आपदा आई हो, वहां पर खुद विधायकों और नेताओं को जाकर मुआयना करना चाहिए, बल्कि जहां 54 लाख लोग प्रभावित हों और जहां इतनी मौतें हो गई हों, वहां पर खुद प्रधानमंत्री को दौरा करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दौरा तो कहीं और ही चल रहा है। लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र की उठापटक राजनीति में किस तरीके से उठापटक हो रही है उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां एक तरफ इस तरीके से तस्वीरें हो और देश की तबाही मची हो, क्या एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहां पर इस तरीके से जब हो रहा है, वहां तबाही मची हुई है, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी को दौरे पर जाना चाहिए, मुआयना करना चाहिए, वहां के लोगों की सुध लेनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में लगे पड़े हैं। क्या वहां उनके लिए राहत सामग्री नहीं पहुंचानी चाहिए थी? क्या उनके लिए राशन मुहैया नहीं कराना चाहिए था? क्या उनके लिए उस तरीके की सुविधाएं नहीं देनी चाहिए थी? बैंडेज से लेकर दवाइयों से लेकर खाने पीने तक की उन सब चीजों, तमाम चीजों के लिए उनके लिए सुविधा नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन लगातार बागी विधायकों पर खर्चा किया जा रहा है, लगातार 1-1 लाख रुपए, मैं तो 1 लाख की बात कर रही हूँ, हर दिन पर 6-6 लाख रुपए रोजाना का खर्च आ जा रहा है, उस पर खर्च हो रहा है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए सरकार के पास
पैसा नहीं है। लगातार आसाम में 33 जिलों के 55 लाख लोग इस बाढ़ से पीड़ित हैं और प्रभावित हैं। सरकार तो ऑपरेशन लोटस चला रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, लगातार उसी को तवज्जो दी जा रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, इसी तरीके से अगर सरकार बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भी कुछ इस तरीके की स्कीम चला देती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन कहते हैं ना कि सरकार, सत्ता में बैठी सरकार और राजनीति एक जुनून है, जज्बा है, लेकिन नौकरी नहीं है। वाकई में नौकरी तो है नहीं, जज्बा और जुनून है। विधायक और नेता एक तरीके से जज्बा और जुनून के तहत ही देश सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन क्या बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनकी भी सेवा नहीं की जा सकती? क्या वो देश सेवा नहीं है? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो लोग इस देश के लोग नहीं है? क्या वो इस राज्य के लोग नहीं है? क्या उनके लिए इस तरीके से जज्बा और जुनून दिखा सकती थी ये सरकार? क्या उनके लिए आगे बढ़कर इस तरीके से नहीं करना चाहिए था? क्या उनके लिए इस तरीके से सरकार को आगे नहीं आना चाहिए था? कि एक प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आगे आकर इस तरीके से जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके परिवारों के लिए और उन लोगों के लिए किसी भी तरीके की सुविधा मुहैया करा दे या फिर उनके लिए राहत सामग्री मुहैया करा दे? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी? कहते हैं ना कि भूखे के लिए अन्न बहुत बड़ा भगवान होता है। क्या इस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिस तरीके से एक दूसरे का ढाढ़स बना रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, क्या सरकार को इस तरीके से सामने आकर उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए थी? सरकार तो अपने राजनीतिक फायदे को देख रही है और अपने राजनीतिक फायदे में लगी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार जिस तरीके से बाढ़ पीड़ित एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को ढाढ़स बना रहे हैं, क्या सरकार भी सामने आकर इनकी तकलीफों को समझेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप भी सोचिए इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। जब तक ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जनहित आवाज़। शुक्रिया।